हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम चिकन बनाएंगे, तो चिकन को पहाड़ी तरीके से बनाएंगे। तो जिसके लिए हमने चिकन ले लिए हैं, ये चिकन हमने ले लिए हैं, अब इसको आग में जलाएंगे और पहाड़ी तरीके से बनाएंगे। चलिए, इसको आग में जलाना हो गया है, अब इसको पीस बनाएंगे छोटा छोटा। चलिए, चिकन तो काटना हो गया है, अब इसको अच्छे से धोएंगे। चिकन तो अच्छे से धोना हो गया है, अब चिकन को मसाला के साथ मिलाएंगे, यानी कि मैरिनेशन करेंगे इसको। स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 बड़े चम्मच, ये देखिए इतना सा डालेंगे। साथ ही जाएगा दही 50 ग्राम डालेंगे, 1.5 किलो चिकन है जिसमें 50 ग्राम खट्टा दही डालेंगे। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च और जीरा का पाउडर भर के 3 चम्मच डालेंगे। अब सबसे लास्ट में जाएगा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भर के 2 चम्मच डालेंगे। चम्मच बोले तो देख सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ा चम्मच है। थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे इसमें, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। चलिए, अच्छे से मिलाना हो गया है, अब इसको ढक के रख देंगे। चलिए, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें सरसों तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब लौंग, इलायची, दालचीनी, सोहजीरा सब चीज को खड़ा खड़ा डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 2 तेज पत्ता और 2 सूखी मिर्च को तोड़ कर डालेंगे। जब सभी चीज अच्छे से चटक जाए तब इसमें डालेंगे प्याज को। इसमें डालेंगे प्याज, प्याज भूनते समय थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से गले। चलिए, मेरा रेडी है, अब इसमें चिकन को हम डाल देते हैं। देखिए इतना सा चिकन, सभी चिकन को डाल दिए, अब इसको चलाते ही अच्छे से फ्राई करेंगे। पहाड़ का अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो लोग इस तरह बनाते हैं। दोस्तों, एक मज़े की बात बताएंगे, जब हम लोग मामा घर जाया करते थे उस टाइम दोनों साइड घना जंगल था और बीच में हम लोग जाते थे, साइकिल से जाते थे और बहुत डर लगता था। तो एक दिन गए हम लोग, जा रहे थे तो देख रहे हैं कि कहीं लोग पिकनिक मना रहे हैं, तो पिकनिक मना रहे हैं तो लोग चिकन बना रहे हैं और हम लोग वही रास्ता से गुजर रहे थे, तो हम लोग को बुलाए कि भाई साहब आइए, कुछ खा लीजिए, हम लोग पिकनिक मना रहे हैं तो कुछ भी तो खा लीजिए। हम लोग उधर से नहीं गए, हम लोग छोटे थे उस टाइम। चिकन को चलाते हुए 10 मिनट तक हमने फ्राई कर लिए हैं, अब इसमें क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट हो गया है, इसको खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चिकन का रंगत देखिए किस तरह बन रहा है, पहाड़ी चिकन। अब यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च तीखा के लिए। हरी मिर्च को लंबा लंबा फाड़ लिए हैं, अब इसी में डाल देंगे।
फिर 2 मिनट चलाएंगे, 2 मिनट चलाने के बाद फिर ढककर लगा के 5 मिनट फिर पकाएंगे। इसी तरह ढक ढक के पकाएंगे कंटिन्यू, आधा घंटा पौने एक घंटा में चिकन बनकर तैयार हो जाएगा, पहाड़ी चिकन। चलिए 2 मिनट हो गया है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। क्या खुशबू निकल रहा है चिकन का। चिकन का रंगत देखिए, चिकन किस तरह बन रहा है, एकदम मजेदार चिकन। फ्लेम जब हाई कीजिएगा तो चिकन को चलाते रहना होगा, नहीं तो अंदर में चिपकने का डर रहेगा। ये देखिए दोस्तों, दो किसान लोग आ रहे हैं, चिकन करीब करीब बन ही गया है और ये लोग को खिलाएंगे थोड़ा सा चिकन, चेक कराएंगे कि चिकन किस तरह बना है। अंकल और आंटी जा रहे थे इधर से, तो ये लोग को बोले भाई चिकन 2-4 को खा लीजिए, तो चिकन मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया है, तो अंकल और आंटी को चिकन 2-2 पीस दे देते हैं। लीजिए अंकल जी, इसको टेस्ट करके बताइए। ठीक है। और आंटी वाला दीजिए। लीजिए आंटी, कैसा बना है अंकल जी? एकदम बढ़िया। बढ़िया बना है। आंटी जी कैसा बना है? ठीक है। अच्छा है ना? ठीक है, ठीक है। अंकल और आंटी को खिला दिए और वो लोग बोले कि चिकन तो बहुत ही बढ़िया बना है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे एक बार। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चिकन तैयार हो गया है, अब इसमें ऊपर से हरी धनिया का पत्ता डाल देंगे, मिला देंगे। चिकन बनकर रेडी हो गया है। मजेदार चिकन बना है। चिकन और रोटी साथ में मूली और प्याज ले लिए हैं, अब इसको मजे से खाएंगे। इसको करी के साथ चेक कर लेते हैं कैसा बना है करी, चिकन करी। ये देखिए भाई, बहुत ही मजेदार, बनाने में मजा आ रहा है। बड़ा ही टेस्टफुल बना है दोस्तों, इस तरह बना करके एक बार जरूर खाइए, और पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।